नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप मिश्रा। स्वागत है आपका यूनिक होम्योपैथिक टीम के इस ब्लॉग में। आज हम लोग अपने इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं कि अगर आपको रात में इचिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है तो आपको होम्योपैथिक में बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन आज आपको बताने वाला हूं, जो मेडिसिन आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं और उसका यूज़ करेंगे आपको बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा आज कि ये डिजीज़ एक्चुअल में है क्या और इसके साथ साथ होम्योपैथिक में इसका क्या रोल है। अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो ये हमारी बॉडी पे क्या सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ये डिजीज़ जो होती है वो आखिर हमारी क्या क्या बेसिक गलतियां हैं जो हम सुधार नहीं कर रहे हैं और हमें ये बीमारी अपनी तरफ ले जा रही है। तो आज हम अपने चैनल से बात करने वाले हैं आप सभी से कि आखिर इतनी खुजलाहट हमारी बॉडी में रात के समय क्यों होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारी बेसिक गलतियां क्या हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में आप सभी से वो सारी डाउट्स क्लियर करेंगे कि ये डिजीज़ एक्चुअल में होता क्या है, जो सोरा का क्राइटेरिया है, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी में इनबैलेंस का कार्य करती है। ठीक है, तो वो आपको पर्टिकुलर करते रहना। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आपका डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करता है वो आप उसे नियमित करते रहिए। कहीं ना कहीं इनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे इस डिजीज़ में। ठीक है, बात करेंगे कि खुजलाहट की प्रॉब्लम होती क्यों है। उनको होती है जो बहुत दिन से माइग्रेन की प्रॉब्लम में हो, या फिर उनको स्टमक की प्रॉब्लम हो, अगर उनका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, या फिर उनको प्रॉब्लम होती है जिनको एक्सीडेंटल कभी हुआ था, उसके दौरान उन्होंने कुछ हाई एंटीबायोटिक मेडिसिन ली, बाद में वो मेडिसिन साइड इफेक्ट करती है, एलोपैथ मेडिसिन जो कि आपकी बॉडी में गई और उसकी वजह से आपके ब्लड को गंदा कर दिया, बाद में आपको इचिंग और खुजलाहट की प्रॉब्लम फेस कर दिया। अब बात आती है कि रात में क्यों होता है, दिन में क्यों नहीं होता अगर ऐसा रिएक्शन है। तो देखिए, बॉडी के आपके जो एटमॉस्फियर है, आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो कहीं ना कहीं मॉर्निंग के हिसाब से आपकी बॉडी उस एटमॉस्फियर को झेलने के लिए सक्षम रहती है। लेकिन रात के समय आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फियर टेम्परेचर ज़्यादा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम, ये दोनों रिएक्ट होती है और आपको इचिंग और खुजलाहट की प्रॉब्लम फेस करती है। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिक बचाव क्या क्या रखने, मैंने बताया कि आपको जो भी डिजीज़ है उस पर लग के इलाज करें। और अगर आपका डॉक्टर कोई बोलता है कि आप इसे मॉर्निंग वॉक करिए, एवरीथिंग जो भी आपको फूड सप्लीमेंट बता रहा है वो चीज़ें आप इनटेक करो, लेकिन इस पर विशेष ध्यान रखो कि वो चीज़ें आपको रेगुलर करनी है। ठीक है, तो एक छोटा कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस चैनल्स पे कि बेसिक दो तीन चीज़ों ने मुझे पर्सनली बोला है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक जो समझ में नहीं आता कि ये बीमारी एक्चुअल में है क्या। तो बहुत से मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको बनाए हैं, आप मैं चाहूँगा कि आप पुरानी वीडियो भी देखेंगे तो आपको डाउट क्लियर होगा। लेकिन इस वीडियो में आपको एक खास जानकारी दूंगा, वो ये कि बॉडी में आपका जो सोरा का क्राइटेरिया होता है उसका कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा रोल होता है। दोस्तों यकीन करिए, बहुत ज़्यादा रोल होता है। और अगर आप ये चीज़ें नहीं करते, जैसे कि आज के जो जनरेशन है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा लाइटली, ठीक है, भोजन करना चाहती है, बाहर की चीज़ ज़्यादा टेक करती है, और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बॉडी में हम किसी के थ्रू यूज़ करते हैं, जैसे कि मोमोज हो गया, इसके साथ साथ नमक के जितने भी सप्लीमेंट हैं इनमें सोरा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। मतलब सोडियम अगर आपको डिस्टर्ब होता है तब आपकी बॉडी में बहुत से स्किन डिजीज़ फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, सोडियम में क्या है कि अब इसका क्या खेल है, जैसे मैं अपने घर में प्रॉपर, मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने घर में प्रॉपर टाटा का नमक यूज़ करता हूँ, दैट्स गुड। ठीक है, मैं बाहर गया कुछ भी खाने के लिए, तो वहाँ पे मैं गया तो मुझे नहीं पता कि वो थर्ड क्वालिटी का नमक यूज़ करता है, कौन सी क्वालिटी का नमक यूज़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बॉडी में जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारी बॉडी किसी पर सेट हो चुकी है और हम उसे बार बार चेंज करते हैं, मैं एक दुकान पे गया, मैं दूसरी दुकान पे गया, और इस तरीके से हमने अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ों को खाया, तो कहीं ना कहीं उन सब में क्या कमियां थी, मतलब किसी का नमक क्या था, किसी ने खट्टी चटनी को बनाने के लिए क्या यूज़ कर लिया, ये हमें नहीं पता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली अपने डेली रूटीन में नहीं लाएंगे कि आपको पर्टिकुलर खाना क्या है, कैसे रहना है, तो कहीं ना कहीं
हर तीसरा मरीज चौथा मरीज आपको स्किन डिजीज का इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिक बचाव रखना है कि अगर आपको सोरा की प्रॉब्लम, आप बाहर कुछ भी इंटेक कर रहे हो जिसमें नमक की मात्रा, तो उसको आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। और इसके साथ साथ बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मीठा खा सकता हूँ, भाई बिल्कुल मीठा आप खाइए, मीठे से कोई दिक्कत नहीं होती है इचिंग के पेशेंटों में। ठीक है, तो इसमें आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ साथ आपको पानी, पानी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर पानी आपके यहाँ सही नहीं आ रहा है तो जो भी पानी आपके यहाँ आता है उस पानी को आप बॉयल्ड करिए, कच्चा पानी जिसे बोलते हैं नहीं पीना है, पानी को पका के पीजिए। और इसके साथ साथ आपको दो तीन चीज़ों पे विशेष ध्यान मैंने बताया कि बाहर की चीज़ें को आपको नहीं खानी है जिसमें नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, ये चीज़ें बचानी है। और उसके साथ साथ आपको पानी अपना, अगर आपको पानी लगता है आपके ऑफिस में, आपके घर पर, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर पानी सही नहीं रहता, तो आप अपने साथ बॉटल का यूज़ करिए। और उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें आप जो है अपनी डेली रूटीन में लाइए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे कि होम्योपैथिक में क्या है इसकी मेडिसिन। तो इस चैनल में आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक की कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन जो आपको इस डिजीज़ में काफ़ी मदद करेगी आपको क्योर करने में। तो सबसे पहली जो मेडिसिन हमारे साथ है वो है SKBR, वीजल फॉर्मर की बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है, जो कि ये ऑयल फॉर्म में बनाई गई है। और इसके साथ साथ ये यूज़ कैसे करना है, इसको नहाने के बाद आपको ये ऑयल अपने हाथों में लेना है और इसको आपको पूरे हाथों में इस तरीके से लगा के जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है लगा के छोड़ दीजिए, सुबह सिर्फ एक बार। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसमें आपको इचिंग खुजलाहट, बताइए कि इचिंग खुजलाहट का जो मेरा ये सेशन है, मैं बताया कि ये एक फेज़ होता है, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, इसके साथ साथ अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है या फिर ड्राई एक्जिमा है, या फिर मतलब कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट के कैटेगरी में जितनी भी डिजीज़ आती है वो अपने अलग अलग क्राइटेरिया बेस मेडिसिन होती है। ठीक है, लेकिन इस में अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक कोई भी दाने नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ आपको ड्राई खुजली होती है जिसमें आपको, आप हाथ से भी देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता है लेकिन वो आपको प्रॉब्लम करती है, तो इसमें बेसिक आपको मैंने बताया कि ये मेडिसिन आपको यूज़ करते रहना है और इसको सुबह नहाने के बाद एक बार पूरी बॉडी में अप्लाई कीजिए। और उसके साथ साथ बायो कम्बिनेशन नंबर 20, ये होम्योपैथी की बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन फॉर स्किन डिजीज़ के लिए है। इसको चार चार टैबलेट आपको सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको तीसरी मेडिसिन का नाम बताऊंगा, वो है डलकामारा 200 पावर में। जी हाँ, डलकामारा ये होम्योपैथी की बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है और इसको आपको 5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करना है। एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि आपको 95% बहुत ज़्यादा, 95 से भी ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। और नो डाउट मैं जितने भी पेशेंट में ये यूज़ करा रहा हूँ मुझे रिजल्ट देखने को मिला और मुझे जो रिजल्ट देखने को मिलता है वही वीडियो मैं आप तक लेकर आता हूँ। तो ये आज का सेशन हमारा था कि स्किन डिजीज़ जो रातों में सबसे ज़्यादा हमें फेस होती है वो उसका कारण क्या होता है और इसके साथ साथ हमें ये कैसे क्योर करना है। मैंने अपने बताया कि अपने डेली रूटीन को आप चेंज करें और अपना फूड सप्लीमेंट वो बैलेंस में रखिए। ऐसा भी नहीं है कि आप कभी नमकीन ज़्यादा खाइए, कभी मीठा, बैलेंस डाइट रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके साथ साथ आपको ये तीनों मेडिसिन आपको ले लेनी है। अगर नहीं मिलती है तो आप हमारी टीम से संपर्क करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर आपको मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें कॉल करें। अपना एड्रेस और कोरियर जहाँ पर आपको ये मेडिसिन मंगानी है उस कोरियर के लिए आप अपना एड्रेस हमें भेजें और ध्यान दें, आपके एड्रेस के साथ पिन कोड एरिया ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये मेडिसिन आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपके घर तक पहुंच जाएंगी और इसकी सेवन विधि आपको आपके व्हाट्सएप चैनल पे ही बता दी जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि इस सेशंस को आपने ज्वाइन किया और ऐसे ही चैनल्स को, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए इस चैनल्स को अभी ही लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में रखें, हम संडे कोशिश करेंगे कि आपका सेशन लाइव रख के आपकी डाउट्स को क्लियर करें। ठीक है, तो अगर कोई डाउट, कोई ऐसी समस्या है तो आप इस चैनल्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से नंबर लेके आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए और अगला वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।